हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो में आपको बॉट ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। और ये बॉट बड़ा ही सिंपल बॉट है, आप इससे टेक्निकली जोड़कर बॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, टेक्निकली बॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं आपको इसमें खाली डेमो दिखाऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। बॉट ट्रेड कैसे काम कर रहा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बॉट डॉट कॉम। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो यहाँ विजिट कर सकते हो। यहाँ बताया गया कि 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आप बॉट को कनेक्ट कर सकते हो। जो बॉट का प्राइस रखा गया वो 499 रखा गया, इट्स मीन 500 रुपये मंथली देके आप बॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। ये खाली बॉट का प्राइस है, आपको API और ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट अलग से परचेस करना पड़ेगा, पर ओनली फॉर बॉट का जो प्राइस है वो 499 है। तो ये ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे आई, ये बॉट जो है ट्रेडिंग व्यू से चलता है। आप कोई भी टेक्निकल पैटर्न बनाते हो, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, RSI, MACD, जो भी आपको लगता है वो चीज आप यहाँ ऐड करोगे और बॉट को आप रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी एक एवरी मिनट स्ट्रैटेजी नीचे बना रखी है, जो एवरी मिनट में क्या करती है, जो करंट प्राइस होता है उससे नीचे बिड लगा देती है। मैंने अभी इसे बोल रखा है कि 2%, 3%, 4% नीचे बिड लगानी है। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, मैं इधर सॉरी मेरा ये जरोधा अकाउंट है, यहाँ कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है। और मैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे गया, यहाँ देख सकते हो ये मेरी कमांड है जो रेड कलर में है। तो मैं बॉट को ऑन करने के लिए बस इसे स्टार्ट करूंगा, और जैसे ही मैंने इसे स्टार्ट कराई ग्रीन हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पर एक टिगर आएगा और मेरा बॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है और आपके सामने अभी एक ऑर्डर आएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ ये ऑर्डर। हाँ, अभी 4 सेकेंड रह गए क्योंकि 1 मिनट की कमांड है, अब ऑर्डर आने वाला है। ये ऑर्डर आया यहाँ पर, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर लगना शुरू हो गया, ये देखिए आपके सामने ये 2 ऑर्डर लग गए और ये मार्केट रेट से नीचे लगे। मैंने इसे बोल रखा है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे 2%, 3% तेरे को नीचे लगानी है बिड, और उनने वो लगा दिए। जो ये बॉट है एक्सटेंशन पे चलता है, क्रोम एक्सटेंशन पे, ये देख सकते हो आप, ये रहा बॉट। आप इस बॉट पे क्लिक करोगे, आप गूगल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर 499 देके एक्टिवेट कर सकते हो, डाउनलोड फ्री हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैं हेल्प पे क्लिक करता हूं तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन के अंदर ये कोड दे रखे हैं, कौन कौन से कोड लगाने। आगे चल के मैं इनकी डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कैसे वर्क करता है, तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अब हम दोबारा से इस पे जाते हैं अपने जरोधा अकाउंट पे, और अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पर 10 सेकंड रह गए हैं। अब ये क्या करेगा, दोबारा से उस ऑर्डर को कैंसिल करके दोबारा प्राइस कैलकुलेट करके बिड लगाएगा। आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ऑटोमेटिक अभी इसका टाइम होने वाला है, एक बीप की आवाज आएगी, ये बीप की आवाज आई, अब इन्होंने ऑर्डर कैंसिल करे और दोबारा से ऑर्डर लगा दिए करंट प्राइस को कैलकुलेट करके। इसे हम ग्रॉस मार्जिन स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ ये कैसे काम करती है। अगर किसी चीज का 100 रुपये प्राइस चल रहा है और आप चाहते हो कि आपकी बिड 1% नीचे, 2% नीचे और 3% नीचे लगे, तो ऑटोमेटिक आपकी 3 बिड लगेगी, 99, 98, 97, ऑटोमेटिक करंट प्राइस को कैलकुलेट करके नीचे लग जाएगी। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता 1 मिनट के अंदर, पर कैंडल के अंदर, अभी मैंने 1 मिनट की कैंडल ले रखी है, तो पर कैंडल के अंदर अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो दोबारा से उस बिड को कैंसिल कर देगा और करंट प्राइस को कैलकुलेट करेगा जो नेक्स्ट कैंडल में प्राइस होगा। सपोज मानो नेक्स्ट कैंडल में उसका प्राइस हो जाता है 98, तो 98 से नीचे प्राइस लगा देगा वो, 1%, 2%, 3%, इस तरीके से आपका नीचे प्राइस लगा लेगा। और आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी, हो सकता है भी आपको समझ ना आए ये स्ट्रैटेजी, पर मैं डिटेल में समझाऊंगा। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं, ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल करेगा। ये ऑर्डर देखिए बीप आ गई, यहां पर ऑर्डर कैंसिल हुए अपने आप और दोबारा से लग भी गए, कैंसिल करके लग भी गए, पता भी नहीं चला, बहुत फास्ट काम करता है। और अब मैं बॉट को अगर बंद करना हो तो बंद करने के लिए सिंपल सा है, आप इस पे जाओगे और इस पे स्टॉप पे क्लिक करोगे और यस करोगे तो बॉट बंद। ये आप देख सकते हो बॉट बंद हो गया। अभी इनने कुछ ऑर्डर लगा रखे हैं तो इसे मैं मैन्युअली डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मैंने क्योंकि बॉट बंद कर दिया, अगर बॉट चलता रहता तो काम होता रहता। तो इस तरीके से आप बॉट को बंद कर सकते हो, एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब आप किस किस तरीके से काम कर सकते हो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो आपको दिखाता हूं मैं आप किस किस तरीके से काम कर सकते हो। आप ट्रेंड लाइन पे काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी, RSI, स्टोकेस्टिक, जितने भी इंडिकेटर है उन पे आप काम कर सकते हो। आप ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब किसी पे भी काम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए सपोज मानो मैंने एक ट्रेंड बनाया, ये आप ये देख सकते हो, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करी है मैंने, कोई टेक्निकल वगैरह यूज नहीं कर रहा। अब आप चाहते हो कि जैसे ही ये कैंडल ऊपर टच हो तो आप
शॉर्ट हो जाए, नीचे टच हो तो आपका बाय हो जाए, लॉन्ग हो जाए। इस तरीके से जब जब मार्केट ऊपर टच होगी शॉर्ट हो जाएगा, नीचे टच होगी लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आपका बाय सेल होता रहेगा, बॉट अपने आप करता रहेगा, बस आपको कमांड देने की जरूरत है। और इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आगे चल के डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आज ही पहली वीडियो है तो पहली वीडियो में खाली मैंने यही बताया कि हाँ बॉट वर्क कैसे करता है। अभी इसे एक्टिव वगैरह ये सारी चीजें वन बाय वन वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो आपका इस तरीके से काम करेगा। आप चाहते हो कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस भी लगे तो आप एक लाइन को और ड्रॉ कर सकते हो और आप इसको स्टॉप लॉस लाइन बना सकते हो। सपोज मानो आपका बॉट है वो यहां पर बाय कर ले रहा है, यहां पर तो सेल कर रहा है और यहां पर बाय कर रहा है, पर बाय करने के बाद सपोज मानो मार्केट नीचे चली जाती है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और स्क्योर अप हो जाएगी आपकी पोजीशन। तो आप यहां पर यह भी कर सकते हो, जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है हम चार्ट बना के रखते हैं, सपोज मानो मैंने चार चार्ट बना लिए और चारों चार्टों में ट्रेंड पे काम करता हूं, मैं ट्रेंड लाइन वगैरह डाल रखी और बॉट को एक्टिवेट कर दिया तो जिसके अंदर मेरी पोजीशन आएगी ऑटोमेटिक वो कॉइन वो शेयर ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में बाय हो जाएगा और फिर मैं उसे मैनुअल भी सेल कर सकता हूं और नहीं तो बॉट के अकॉर्डिंग सेल भी हो जाएगा। बस आपको बॉट पे थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि बॉट थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडवांस है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये एक वेबसाइट है nextlevel.com, आप यहां पर जाके विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉट एक्टिवेट होगा और क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पूरा दे रखा है, 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। के बाद रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास API होनी चाहिए और आपके पास एक्सटेंशन होना चाहिए। तो तीनों के अलग अलग प्राइस है। जो एक्सटेंशन का प्राइस है वो आप डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट करते हो 499 मतलब 500 रुपए देने पड़ते हैं। जो रोधा जो अपनी API मंथली वेट पे बेचता है वो 2000 रुपए पर मंथ पे बेचता है और जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है वो 1100 रुपए पर मंथ पे आपको मिल जाता है, $15 का प्लान है। और उसके बाद आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम एक्सटेंशन जाके आपको दिखा भी देता हूं मैं। हम ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे, तो ये हम क्रोम एक्सटेंशन पे पहुंच जाएंगे और यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट लेवल बॉट से आपको मिल जाएगा। इसे मैंने ऐड कर रखा, आप भी ऐड कर सकते हो और आगे मेरी वीडियो में आप डिटेल में देखोगे किस किस तरीके से काम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो।